हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके सामने हलवे की रेसिपी लेकर के आई हूँ। सूजी का हलवा और बेसन का हलवा तो आपने बहुत खाया होगा, पर ये सूजी और बेसन दोनों से मिल करके बना है और आप इसे बसंत पंचमी के उपलक्ष में बना सकते हैं और ये बनाना बेहद आसान है। तो चलिए दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में लगभग 4 चम्मच के करीब घी लेंगे और इसे मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो गया है, आधा बाउल इसमें हम सूजी डाल देंगे। सूजी को लगभग 2 से 3 मिनट के लिए हम घी में रोस्ट कर लेंगे, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए तब तक हमें रोस्ट करना है। उसके बाद हम लगभग 4 चम्मच के करीब इसमें बेसन डालेंगे, 4 चम्मच से ज्यादा नहीं डालना है, और बेसन के साथ हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए और रोस्ट कर लेंगे। देखिए, बेसन हमारा और सूजी रोस्ट हो चुका है। अब हम इसमें आधा बाउल दूध डालेंगे, जितना हमने सूजी लिया था उतना ही हमें इसमें दूध डालना है और इसे लगातार चलाते रहना है। थोड़ा सा आपको चिपचिपा लगेगा और साथ में हम इसे स्वाद के अनुसार चीनी डालेंगे। आधा बाउल ही चीनी डालेंगे तो काफी मिठास आ जाएगी इसमें, और फिर हल्का सा कलर डालेंगे। अगर आप कलर नहीं डालना पसंद करते हैं तो आप इसमें केसर भी डाल सकते हैं। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे, फिर इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसमें गुठलियां नहीं पड़नी चाहिए। उसके बाद हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स करते रहेंगे। हलवा हमारा बन करके तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। हलवे को हमने एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसे बादाम और पिस्ते से गार्निश कर लेंगे। तो दोस्तों, सूजी और बेसन से बना स्वादिष्ट हलवा हमारा बन करके तैयार हो चुका है। आप इसे किसी भी स्पेशल ओकेजन में बना सकते हैं और ये बेहद आसान भी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।